हाय फ्रेंड्स, आज हम आलू से बिल्कुल अलग तरीके का नाश्ता बनाएंगे। अगर आपको कुछ चटपटा सा खाने का मन हो या आपके बच्चे अलग तरीके का नाश्ता बनाने के लिए ज़िद कर रहे हो तो इस तरीके से सिर्फ 2 चम्मच ऑयल में आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इससे नए वीडियोस बनाने के लिए मैं और भी मोटिवेट होती हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पर कच्चे आलू 4 से 5 लेने हैं। यहाँ पर मैंने 5 से 6 लोगों के लिए यहाँ पर 5 कच्चे आलू लिए हैं। यहाँ पर आप 2 से 3 लोगों के लिए बनाना चाहते हैं तो सिर्फ आप 2 आलू को यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, अब मैं इन आलूओं को अच्छे से कद्दूकस करके लेना है। यहाँ पर मैंने सारे आलू को अच्छे से कद्दूकस करके इस तरह से निकाल कर लिया है। अब हमें इसे एक बाउल में निकाल कर लेना है। ये देखिए, इसे एक बाउल में निकाल कर अच्छे से वॉश करना है। यहाँ पर मैंने 1 से 2 ग्लास जितना पानी डालते हुए इसे अच्छे से ऐसे ही वॉश करके निकाल कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसे एक प्लेट में निकाल कर लेंगे और इस पानी को हमें फेंक देना है। फिर से हमें उसी बाउल में इस आलू को डाल देना है। फिर से हमें यहाँ पर पानी डालते हुए इसे अच्छे से धोकर इस तरह से हाथों से निचोड़ कर लेना है। अब हमें यहाँ पर हाथों से अच्छे से निचोड़ कर लेना है। यहाँ पर देखिए, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। इस तरह से हमें इसे अच्छे से निचोड़ कर लेना है। फिर मैंने यहाँ पर 1/2 कटोरी बेसन डाला है। अब हमें यहाँ पर इससे क्रिस्पी बनाने के लिए 4 चम्मच सूजी को डालना है, यानी कि मैंने यहाँ पर 1/4 कप जितना सूजी डाला है, और 1 चम्मच धनिया पाउडर डालना है, 2 चम्मच भरकर हमें यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स को डालना है। ये देखिए, 2 चम्मच भरकर मैंने डाला है। फिर हमें यहाँ पर 1/2 चम्मच जितना जीरा डालना है। फिर मैंने यहाँ पर 1/4 टेबल स्पून जितनी हल्दी डाली है। फिर हमें यहाँ पर 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालना है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको चटपटा सा पसंद है तो, और आप 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाला है और 1/2 कटोरी भरकर हरी धनिया के पत्ती को डालना है। फिर हमें यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसे मिक्स करते समय आपको बिल्कुल भी पानी की ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरह सारे मसालों और आलू को अच्छे से मिक्स करना है। फिर हमें लास्ट में यहाँ पर 1 से 2 टेबल स्पून जितना पानी डाल सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैंने 1 टेबल स्पून जितना पानी डाला है। फिर से मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने फिर से 1 टेबल स्पून जितना पानी डालते हुए इसे अच्छे से मिक्स किया है। यहाँ पर आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फिर से पानी छूटने लगेगा। इसे मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और आप 10 मिनट के बाद देख सकते हैं ये थोड़ा पानी भी छूट चुका है। अब हमें यहाँ पर फ्राई करने के लिए एक पैन को लेना है। इसमें हमें 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल को डालना है और अब हमें इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा इस बैटर को डालना है। अच्छे से राउंड शेप देते हुए हमें यहाँ पर इसे अच्छे से स्प्रेड करना है। ये देखिए, इसी तरह हमें सारे नाश्ते को डाल देना है। इस तरह से एक बार में 3 से 4 बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने थोड़ा थोड़ा सा ही इस नाश्ते को डालते हुए अच्छे से स्प्रेड किया है। अब हमें यहाँ पर गैस को मीडियम फ्लेम पे रखना है और 2 से 3 मिनट तक इसे हमें अच्छे से सेक कर लेना है। 2 से 3 मिनट बाद इसे अच्छे से पलट लीजिए। ये देखिए, अच्छे से मैंने इसे पलट लिया है। इसी तरह सारे स्नैक्स को मैंने, यानी कि सारे नाश्ते को अच्छे से पलटना है और 2 से 3 मिनट बाद फिर से मैंने इसे पलटते हुए दोनों साइड से अच्छे से सेक कर लिया है। इसी तरह हमें बाकी के सारे नाश्ते को भी बना कर लेना है। ये देखिए कि कितनी आसानी से और कम सामग्रियों में ये नाश्ता बन सकता है, आप देख रहे हैं। और इसे बनाने के लिए ना ज़्यादा ऑयल की भी ज़रूरत है और ना ज़्यादा सामग्रियों की भी ज़रूरत है और ना ज़्यादा समय भी लगता है, और इसे सिर्फ 10 मिनटों में बना सकते हैं। तो इस नाश्ते को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इस नाश्ते को आप टोमेटो सॉस के साथ ज़रूर सर्व करें, बहुत ही टेस्टी बनता है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने बाकी के नाश्ते को भी
अच्छे से डाल दिया है। और अब हम यहाँ पर इसे पलटते हुए दोनों साइड से अच्छे से सेक कर लेना है। आपको गैस को यहाँ पर मीडियम फ्लेम पे रख के इसे सेकने से बहुत ही अच्छे से ये सिक जाते हैं, अंदर से भी ये अच्छे से सिक पाते हैं, इसलिए आपको गैस को मीडियम फ्लेम पे रखना है। आप इसे टोमेटो सॉस के साथ बच्चों को सर्व करके दीजिए, एक भी नहीं बचेंगे, ये इतने टेस्टी बनने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना ना भूलें।